हेलो दोस्तों, मैं हूँ अकरम। हिंदी टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को, आईफोन एक्स की तरह डिज़ाइन या लुक कैसे दे, या iOS 11 की तरह लुक कैसे दे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंट्रोल सेंटर से। तो अगर आप आईफोन की तरह कंट्रोल सेंटर पाना चाहते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तो ये एप्लीकेशन जो है एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है आपके लिए। ओके, तो ये कुछ सेटिंग दी गई है। पहले सेटिंग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग है। यहाँ पे हीडर सेटिंग दिया गया है, कलर चेंजेस कर सकते हो आपको, जहाँ पर आपको हीडर रखना है, लेफ्ट राइट या बॉटम, वो आप यहाँ से जो है कर सकते हो। तो अगला जो है यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट, करेंट वॉलपेपर या डिफॉल्ट वॉलपेपर। उसके बाद यहाँ पे प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर के लिए कौन सा प्लेयर आप चूज़ करना चाहते हो, या फेवरेट पे कोई भी एप्लीकेशन आप रखना चाहते हो अपने कंट्रोल सेंटर में, तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले आप सेटिंग यहाँ पे कर लीजिए आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे टच टू ओपन, सिर्फ स्लाइड ही नहीं, आप सिर्फ टच करोगे तो भी जो है कंट्रोल सेंटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये काम एकदम परफेक्टली आईफोन की तरह ही काम करता है और सारे के सारे फंक्शन काम करता है। ये एप्लीकेशन जो है आपको कोई भी ऐड भी नहीं आता और क्लोज भी नहीं हो जाता। ओके, तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, कोई हैंग भी होने का कोई डर नहीं है ये एप्लीकेशन में, और काम एकदम परफेक्टली जो है आप करता है। कंट्रोल सेंटर काफ़ी मतलब यूज़फुल है, यूज़फुल एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो और आप इसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो नंबर दो पर जो है ये अभी जो आने वाले अपकमिंग फ़ोन हैं, जैसे नोकिया 8 या सैमसंग गैलेक्सी 8, और आईफोन में भी आने वाला है ये बोथी का फ्यूचर एप्लीकेशन। तो अभी आ चुका है फोटो ओ नाम से एक एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप बोथी की तरह जो है फ़ोटो ले सकते हो आईफोन में। तो इसी तरह एंड्रॉयड में भी अगर आप फ़ोन फ़ोटो लेना चाहते हो बोथी की तरह, फ़ोन और रियर कैमरा से एक साथ में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो हद तक वैसा ही है। तो सबसे पहले आपको रियर कैमरा से फ़ोटो लेनी है तो होगी, उसके बाद फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको इस पर क्लिक करना है तो जो है आपके फ़ोटो आ जाएगा दोनों साथ में। ओके, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो गैलरी में डायरेक्टली। अगर आप शेयर करना चाहते हो ऑनलाइन तो भी शेयर भी आप कर सकते हो। ओके, तो अगला जो है जिसका नाम है बोथी, उसका नाम ही बोथी है, वो एप्लीकेशन भी अच्छा है। आप देख सकते हो आपको जो भी सूट हो, फ्रंट बैक या बोथी दोनों अच्छे हैं, तो आपको जो भी मतलब सूट करता हो वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अपकमिंग फ्यूचर जो आने वाले फ़ोनों में होगा वो अपने प्रीवियस एंड्रॉयड फ़ोन में जो है यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, फ्री एप्लीकेशन है, कोई चार्जेस भी आपको नहीं लगेगा। तो अगला जो है आईफोन एक्स, उसके लिए आपको ये लॉन्चर भी डाउनलोड करना होगा, सी लॉन्चर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई कर लिया तो देखिए ये एकदम iOS 11 आईफोन एक्स की तरह जो है ये हो चुका है आपका जो है लॉन्चर। और ये एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो बॉर्डर था ब्लैक कलर का, वो बॉर्डर भी जो है हट चुका है। तो ये अलग अलग फोल्डर में यहाँ पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सोशल में अलग हो गए हैं, और यहाँ पे मेनू का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये एंड्रॉयड है इसलिए इसमें मेनू का ऑप्शन दिया गया है। या बाहर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो सारे एप्लीकेशन को आइकॉन, शॉर्टकट आइकॉन में करके। तो सबसे एकदम जो बढ़िया लग रहा है कि आपका जो ऊपर ब्लैक कलर का बॉर्डर था वो हट चुका है, एकदम पूरा फुल स्क्रीन हो चुका है, और ये आपका कंट्रोल सेंटर भी जो है आईफोन की तरह हो चुका है। अगर आपके पास बेजललेस फ़ोन है, अगर ये दो एप्लीकेशन कंट्रोल सेंटर और ये आईफोन एक्स थीम्स लॉन्चर जो आप अगर डाउनलोड कर लोगे, तो आपको फ़ोन जो है एकदम चुम्मेश्वरी लगेगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।